सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, हाउ टू कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस वेबसाइट। तो सिंपली हम जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वर्डप्रेस अकाउंट में। तो वहाँ वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। तो गाइस, मैं ऑलरेडी जो है इसमें लॉगिन हूँ, तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है डैशबोर्ड कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट के जो है डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने जो है पेज को, चाहे आप कोई भी कंटेंट को, कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है माई होम पे हैं, जो टाइटल आप देख पा रहे हैं साइड में माई होम पे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको जो है कोई भी ब्लॉग वगैरह जो है राइट करना है, तो यहाँ से सिंपली जो है राइट कर सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अपना कोई भी हेडिंग हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारा जो है ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऐसे कि डेमो के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो। ये डेमो अब फिर वहाँ पे ब्राउज ऑल, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, दिस इज साइट, ये साइट है, अब और डेमो पर पच। यहाँ पे करने के बाद इसको सिंपली जो है पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हमारे साइट पे जो है ये पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है साइट पे हम ऐड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर इसको चेंज भी करना है तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से पेज को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से डोमेन भी ले सकते हैं। मैं गाइस, ये हमारा जो है वर्डप्रेस का ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट है, यानी कि एक ब्लॉग वेबसाइट है, और इसलिए जो है इसमें आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। और अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड करेंगे तो आपको प्लस वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ से प्लस वगैरह देख के यहाँ से साइट को जो है अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट विद प्रो $15 है, यहाँ पे यही है। जब आप पैड प्रीमियम लेंगे तो आपको जो है डॉलर में या तो पैसे वगैरह जो पे करना पड़ेगा। पे करने बाद आपको ऐसा है नहीं कि आपको फीचर भी दिया जाएगा, इसमें बैंड भी दिया जाएगा, ऐड भी दिया जाएगा, तो सारा जो है आपको 15 GB जो स्टोरेज भी दिया जाएगा, आपको कई सारे ऑप्शन जो है मिल जाएंगे अगर आप पैड लेते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लान्स, डोमेन्स, ईमेल भी आपको मिल सकते हैं। अगर अच्छा प्लान लेते हैं, प्लान को ऑपरेट करते हैं, तो आपको मेल वगैरह भी मिल जाते हैं। तो हमारा चलिए, हमें चलता हूँ दूसरे प्रोसेस में, दूसरे हेडिंग में। तो यहाँ पे इसको बैक करेंगे, यहाँ पे इनबॉक्स देख पा रहे हैं, स्टेटस चेक कर रहा है, स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ से सारा जो है कैसे व्यू है, कितने विजिटर हैं, कितने लाइक, कितने कमेंट हैं, यहाँ पे सारा जो है शो करेगा। फिर आफ्टर दैट फिर यहाँ से हम जो है यहाँ मीडिया पर, मीडिया देख पा रहे हैं, मीडिया में फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये सारा है, यहाँ पे मीडिया वगैरह है, यहाँ पे आपको ऐड करना डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो यानी कि आपको जो है 3 GB यूज, आपको जो फ्री मिलता है, 3 GB फ्री तक मिलता है, इसमें 3 GB तक डेटा इसमें जो है यूज कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यही सारे जो प्रोसेस है, और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं पेज वगैरह में भी दे सकते हैं, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, एडिट कस्टमाइजेशन जैसे आवर सर्विसेज, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ टाइम लग रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे एडिट कर देंगे सर्विसेज @BS, इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारा अपडेट हो जाएगा। आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू भी जो है टेबलेट में चाहे डेस्कटॉप में देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह जो है देख सकते हैं, सारा जो है सिंपल है। अब फिर हम आपको और भी दिखा देते हैं ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मीडिया वगैरह मैंने बता दिया, यहाँ डॉक्यूमेंट का है, यहाँ पे इमेज वगैरह का भी है, तो इमेज वगैरह भी यहाँ से अगर देखना है तो दे सकते हैं। व्यू यहाँ पे देखें, डिफॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को सिंपली मिल जाएगा। तो यही सारे जो है सीन है, आप पेज में देख ही सकते हैं, पेज वगैरह पेज में यहाँ पे और कई सारे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक वगैरह का भी मैंने जो है लिंक दिया है, आर्ट ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का भी है। तो यही सब प्रोसेस है गाइस, यहाँ पे फॉलो नहीं था इतना, तो लिंकिंग की प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यही सारा जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और जो भी करना है सेटिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह भी जा सकते हैं, यहाँ पे जो भी चेंज करना है, यहाँ पे टेक सॉल्यूशंस
यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली जो है डी एट द रेट बी एस इसको चेंजिंग कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो इसको जो है देख भी सकते हैं। मैं साइट को ओपन करके देखूंगा तो वहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये तो ये सारे प्रोसेस है, यहाँ पे आपको जो है साइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो यही सारे कुछ देखिए यही वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट के थ्रू जो है हम देख सकते हैं। यही सारा जो है गाइस जो प्रोसेस है, तो इस टाइप से जो है अपने साइट जो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जो है इसी प्रकार से आपको डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉगिंग से लेके सारी वेबसाइट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे टिप्स और टेक्नोलॉजी का इस चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।